चलिए सिद्धार्थ यादव बताइए, सिद्धार्थ यादव बताइए कि बांग्लादेश को पहले से सूचना क्या नहीं दी गई? यहाँ पर मीर साहब कह रहे हैं ऑटोमेटिकली जो है बांध के गेट खुल गए, पूरा बांग्लादेश डूब गया, इंडिया ने नहीं बताया। सिद्धार्थ यादव, नो नो नो, ये डिफरेंट वर्जन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल परसेप्शन, आई एम टॉकिंग यू द फैक्ट। व्हाट आपको हाई कमिश्नर बोलता है हमारा चीफ एडवाइजर को, बट लेकिन पब्लिक में यह वेरी नेचुरल, वो तो आरोप लगाता है खुद इंडिया पर, जो कोई इंडिया शुड इन्फॉर्म बांग्लादेश बिफोर ओपनिंग द डैम। लिसन, दिस इज द नॉट यूजुअल फ्लड सिचुएशन, दिस इज एक्सेप्शनल केस बिकॉज द डैम हैज अ ह्यूज फ्लो ऑफ वाटर एंड दैट जनरली फ्लड कम्स डे बाय डे, यू अंडरस्टैंड, पानी भर रहा है, अगले दिन पर अगले दिन पर, बट अब मैं जवाब दे देता हूँ पद्मजा जी, पद्मजा जी आई थिंक कोई कोई में ये तो तीन, मैं पद्मजा जी अपनी बात रखूं कि ऐसे में बोलिए, वांट टू इनटू दैट कॉज द प्रॉब्लम, बोलिए सिद्धार्थ जी। पद्मजा जी देखिए, कोई भी परसेप्शन या पब्लिक परसेप्शन की बात वो फैक्ट नहीं हो सकती। आप यहाँ पर टेलीविजन पर बैठ करके कोई भी गेस्ट अगर ये बात बोलने लगे कि लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय काउंटर पार्ट ने वहां जाकर के चीफ एडवाइजर को ऐसा कहा और उन्होंने ये बात कही, तो उसका सत्यापन करना या उस बात को मान लेना, मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल गलत होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात को रखा है। और हम, यू कैनॉट, अब सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आप थोड़ा सुनने का भी संयम रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर स्वयं टेलिंग यू दैट वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर टेररिज्म। मैं सर, मैं अपनी बात पूरी रखूं कि नहीं रखूं? आप सुनेंगे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या नहीं सुनेंगे? व्हाट डू यू टेल? इफ यू वांट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश सर, इफ द चैनल अलाउज आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप अपनी बात रखिए। देखिए पद्मराज, इसमें बात बस इतनी से समझने की है कि बांग्लादेश में खुद ही अभी जो बांग्लादेश से हमारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि एक अमूमन इस समय में वहां पर फ्लड्स आना, वहां पर वाटर क्राइसिस होना, और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और बांग्लादेश से सटा हुआ रीजन है, तीस्ता रिवर का डैम है वहां पर, तीस्ता रिवर को लेकर के हमारी ट्रीटमेंट, हमारा एग्रीमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा है, लगभग वो फाइनल होने जा रहा था। वाटर मैनेजमेंट को लेकर के भारत और बांग्लादेश लंबे समय से काम कर रहा है। आज बांग्लादेश के अंदर ऐसे क्राइसिस आ गए और सत्ता परिवर्तन हो गया और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने सत्ता को टेक ओवर कर लिया और वो पब्लिक परसेप्शन फैलाने लगे कि भारत इसका दोषी है। मैं मानता हूं ये गलत है। अगर आपको बताना भी है तो ये भी बताइए कि 2017 की बाढ़ में भारत ने क्या क्या किया था। 2014 के बाद भारत ने आपको $6 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। 2017 में आपके बाढ़ पे आपकी इतनी मदद करी, भारत ने आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम आपके साथ शेयर किया, अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज आपके साथ शेयर करी, उन्होंने तीस्ता वाटर डैम में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, इसी सब चीजों के लिए कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो कहीं ना कहीं इस जो आपदा जो हर साल उसके पास आती है वो उससे बच सके। पर एजेंडा का फर्क देखिए पद्मजा, सत्ता परिवर्तन हुआ, भारत विरोधी ताकतें कहीं ना कहीं वहां पर जब सत्ता पर काबिज होने पहुंची तो अब सारा दोष वो अपने से हटा करके भारत पर मंडने की कोशिश कर रहे हैं। इस झूठे नैरेटिव को बस्ट करना चाहिए, ये झूठा दोषारोपण बंद होना चाहिए। अगर बांग्लादेश की सत्ता की कुछ जिम्मेदारी है, भारत तो आज भी अपनी बाहें खोल करके आपके साथ खड़ा है, जो आवश्यकता आपको होगी हम उसमें मदद करेंगे। कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारे पास जो वाटर का पार्ट है, डैम आपके साथ शेयर होता है, अपस्ट्रीम हमारी है, डाउनस्ट्रीम आपके, वो बातें हमको पता है। जो आवश्यकता आपको होगी उसकी जिम्मेवारी उसके और एक बड़े भाई के नाते उसको पूरा करना, ये तो हम करके दिखाएंगे। पर अगर एक आज भारत विरोधी ताकतों की मानसिकता में आकर के आप लोग हर दोषारोपण भारत पर मढ़ने का काम करेंगे तो मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मीर साहब, सो आई गॉट योर पॉइंट। द थिंग इज दैट व्हाट यू हैव डन इन 17 में या 14 साल में, एवरीथिंग वाज इन रिटन फॉर्म। यू आर टॉकिंग अबाउट द डोनेशन, लिसन, दिस इज एंडलेस एलिगेशंस। यू आर टेलिंग, आई एम टेलिंग, यू आर टेलिंग दैट यू गेव अस $6 बिलियन, बट डू यू नो व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 15 years? वी हैव एलिमिनेटेड द एंटायर टेररिस्ट networking, पर सर वो तो आप ही के लिए अच्छा है ना, वो आपने अपने राष्ट्र हित में किया है। अगर आप अपने देश में आतंकवादियों को खात्मा कर रहे हैं, what Siddharth was telling, सर अगर आप आतंकवादियों, अगर आप आतंकवादियों पे क्रैकडाउन कर रहे हैं तो आपके देश में है ना। Let me finish part. You have done a lot of thing. We have also done a lot of thing which was unprecedented and which was unthinkable.
in previous steps. So that is not the issue. The issue is that now there is a flood, and this is an extraordinary flood, not like other flood. So you have to take it in your mind. Sir, so extraordinary flood होगा, पर उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए. और extraordinary flood हमारे देश में भी हो रहा है. अगर हम दोनों तस्वीरें दिखाएंगे, एक बार फिर से मैं याद दिलाऊंगी. हर्षवर्धन जी, पर करना चाहिए. पुरा में भी इस वक्त बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है. को बंद नहीं करना सका. बड़े एरिया में त्रिपुरा के बाढ़ आई हुई है, उसके बावजूद हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं. और हम उल्टा मदद के लिए मुझे लगता है मीर साहब, जरा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था. पाकिस्तान कटकर हमसे गया, वहां से पीड़ित होकर कटकर आप बने, तो कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए. और रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेज अगर आपके यहाँ खत्म हुई, शेख हसीना ने खत्म की, नरेंद्र मोदी के सहयोग से खत्म की, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि आतंकवादी कम हो गए थे. लेकिन अगर आतंकवादी फिर से बढ़ेंगे तो बाढ़ से बड़ा नुकसान आतंकवाद आपका करने जा रहा है. यू अंडरस्टैंड? You don't treat us equally. That is the problem. You don't treat Nepal equally. You don't treat Sri Lanka equally. And that is why all the neighbors are not the friendly terms as you expected. सुनिए तो ठीक से, उसी को बोलिए ना आप. You are talking.